मुझे इन दिस वीडियो विल स्टडी वैगनर मर्मिन रीअरेंजमेंट। जैसे कि हमने पहली वीडियो में कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट दिखा है फिनोल्स का, फिनोल फिनाकोलोन पिनाकोलोन का, तो सेम वे में यहाँ पर भी जो बच्चे ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर कार्बन स्केलेटन में चेंज आता है थ्रू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के थ्रू उनके कार्बन स्केलेटन में चेंजेस आए, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है? वैगनर मर्मिन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स सीखे उनको देखते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों, यहाँ पर न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड हमने लिया हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पर OH निगेटिव बेस के साथ में क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। OH निगेटिव BR को रिप्लेस कर देना चाहिए और खाली ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर BR की जगह OH आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें मेन प्रोडक्ट नहीं मिलता, मेजर प्रोडक्ट ये नहीं रहता इसमें कि BR की जगह पर OH निगेटिव सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट इसको नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो बच्चों ये टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है एडजेसेंट कार्बन पर जहाँ पर BR रिप्लेस होना है, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बच्चों या तो जानी चाहिए SN1 या SN2। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये रिएक्शन SN2 से नहीं जाएगी। कौन सी क्यों नहीं जाएगी? जब न्यू पेंटाइल ये बल्की ग्रुप लगा हो, जैसे जैसे बल्की ग्रुप पीछे बैक साइड में इंक्रीज होते रहते हैं तो रिएक्शन किससे जाती है? SN1 से जाती है। ऑल्दो दिस ब्रोमीन इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन, लेकिन ये प्राइमरी कार्बन से तो अटैच्ड है लेकिन उससे नेक्स्ट कार्बन काफ़ी बल्की है, इसकी बल्कीनेस की वजह से ये रिएक्शन SN2 से नहीं जाएगी। बैक साइड से कार्बन पर अटैक यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ग्रुप क्या हो गया? काफ़ी बल्की हो गया और बैक साइड के अटैक को रोक देगा, तो ये रिएक्शन जाएगी SN1 से, मतलब थ्रू कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, अगर न्यू पेंटाइल ग्रुप है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 से न जाकर के किससे जानी है? SN1 से जानी है, क्योंकि बैक साइड का अटैक रुक जाएगा बल्की ग्रुप होने की वजह से। एक ग्रुप क्या हो गया? काफ़ी बल्की टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, बाकी जो है 2H है, तो एक इतना बल्की ग्रुप होने की वजह से ये बैक साइड का अटैक रुक जाएगा, OH नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, तो रिएक्शन किससे जाएगी, किन कंडीशंस में जाएगी? SN1 में। पहली इंपॉर्टेंट बात, कार्बन एमी मिथाइल CH3 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 CH2 प्लस। ठीक है बच्चों, स्टॉप यहाँ पर रुकते हैं हम थोड़ा सा। क्या बच्चों यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है? कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा अगर कहीं भी किसी स्पीसी में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, तो जैसे हम रोड पे निकलते हुए दाएं और बाएं देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अपनी स्टेबिलिटी के आधार पर, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए रोड पर, दाएं और बाएं ऐसे कहीं भी कार्बोकैटायन बनेगा तो अपने राइट और लेफ्ट देखेगा कि अब मैं कहीं और ज़्यादा स्टेबल हो सकता हूँ, इसको याद कर लेना ये पॉइंट को। कहीं भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा अपने लेफ्ट और राइट देखेगा, जैसे कि रोड पर क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पर कहीं भी कार्बोकैटायन बनाओगे तो उसको पहले थिंक करना है कहीं कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल तो नहीं हो सकता, तो अपनी मोर स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को रीअरेंज करता है। जैसे कि हम पिनाकोलोन में करा रहे थे, पिनाकोलोन में भी क्या करा था, वो हाइड्रोक्सी के जिसे हाइड्रोक्सी अटैच था उस कार्बन पर जाना चाह रहा था। सिमिलरली कहीं भी कार्बोकैटायन बना दिया तो अपने लेफ्ट और राइट देखेगा, साइड में तो कुछ है नहीं, ये साइड में क्या है, अगर एक ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट कर जाए तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? टर्सरी, जो कि काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन होती है तो क्या करना था, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहीं पर अटैक कर देता और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर देता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर ही अटैक हो जाता, लेकिन रिएक्शन बच्चों इधर को नहीं जाती यहाँ पर नहीं, बल्कि रीअरेंज प्रोडक्ट मिला है। कार्बोकैटायन पहले इंटरमीडिएट बना है तो पहले वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज, मोर स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब CH3 ग्रुप कहाँ माइग्रेट होगा, यहाँ पर माइग्रेट होगा, तो कार्बोकैटायन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से क्या गया, इस कार्बन पे गया है। तो बच्चों अब कार्बोकैटायन हैप्पी हो गया है, यहाँ पर खुश हो गया है कार्बोकैटायन, क्योंकि दिस कार्बोकैटायन इज टर्सरी, ये कार्बोकैटायन क्या है बच्चों? टर्सरी कार्बोकैटायन है, और ये कार्बो CH3 यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला गया, जब विद दो टू इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर मूव करेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ से फिर दो पे बनते हैं, या तो कहीं भी कार्बोकैटायन बनेगा तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है ना, OH निगेटिव जो कि यहाँ पर सोच रहे थे यहाँ पर अटैक करेगा, वहाँ पर अटैक ना करके न्यू कार्बन पर, तो क्या कहलाएगी? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, लेकिन दूसरे कार्बन पर हमको हाइड्रोक्सी, हमारा हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे लगा,
ना कि इस कार्बन पे, यहाँ पर सी एस सी चला गया। दूसरा कार्बोकैटन बनाए तो दो प्रॉब्लम, दो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो क्या बनेगा बच्चों, एलिमिनेशन में यहाँ कैटायन है तो उस एडजेसेंट का एच डबल बॉन्ड बना देगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एच प्लस निकल जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस रखेंगे तो एच यहाँ पर लगेगा ना कि यहाँ पर, अगर एलिमिनेशन कंडीशंस रखेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। बात क्लियर है? फिर से एक बार देखो बच्चों, तो हमने क्या लिया था, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड लिया था, वो एच निगेटिव से एस एन वन के थ्रू तो ये रिएक्शन जाएगी, एस एन टू के थ्रू नहीं जाएगी। एक चीज़ तो ये बताई मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी बल्कि ग्रुप है तो बैक साइड से अटैक नहीं होगा, बल्कि ग्रुप इसको ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ निगेटिव निकलेगा। तो क्या बना बच्चों, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कहीं भी किसी रिएक्शन बनाते हैं तो वो पहले रुकता है, फर्दर एकदम रिएक्शन नहीं करानी, पहले दाएं बाएं देखता है कि क्या मैं और स्टेबल हो सकता हूँ। तो यहाँ पर पता चला कि ये अगर ये रीअरेंज हो जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये सी एस थ्री मूव कर जाए इस पर, तो कैटायन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों, मोर स्टेबल होता है। और इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर वो एच नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर दे। और हमें क्या मिल सकता है, एलिमिनेटिव प्रोडक्ट मिल सकता है। एलिमिनेशन क्या होता है, यहाँ कैटायन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, एच प्लस निकल जाए, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट हमें कैसे मिल रहे हैं, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर तो सीधा क्या रिएक्शन होनी है हाइड्रोक्सी ग्रुप का, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर नीचे करानी है, लेकिन एलिमिनेटेड जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, वो रीअरेंज प्रोडक्ट हो रहा है। कैटायन क्या होगा, पहले मोर स्टेबल कैटायन बनेगा। चलो इसको देखते हैं, कहीं भी एसिड लेंगे, एसिड किनको बोलते हैं बच्चों, जो एच प्लस देते हैं, तो H2SO4 बच्चों HBr एसिड में एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, HBr और H2SO4 दोनों ही एच प्लस देंगे, लेकिन इसका एच प्लस के बाद जो Br निगेटिव है ये क्या देगा, ये भी एच प्लस देगा प्लस HSO4 निगेटिव। तो बच्चों ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है, है ना, लेकिन ये काफ़ी बल्कि होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, ये निगेटिव जाकर पॉजिटिव अटैक नहीं करेगा। अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो इसका जो एनायनिक पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि बल्कि होने की वजह से नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती थी। Br निगेटिव अगर HBr लें तो वो भी एच प्लस तो देता ही, लेकिन Br निगेटिव स्मॉल है HSO4 की वजह से, क्योंकि SO4 तो बच्चों यहाँ पर O निगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ओ, है ना, मतलब एच इस तरह से बल्कि है, तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो दोनों एसिड्स में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों, H2SO4 लिया है तो क्या जनरेट करेगा, एच प्लस, लेकिन इसका आयनिक पार्ट जो न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि कैटायन जो बनेगा उस पर अटैक कर दी, लेकिन HBr लेते तो Br अटैक कर सकता था, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, हमें पता है H+ देगा तो H+ कहाँ पर बैठता है, जहाँ पर लोन पेयर हो, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, प्रोटोनेशन होगा। लोन पेयर क्या ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, कार्बन CH3 CH2 OH+। तो हमें अगर एलिमिनेशन, तो यहाँ पर तो एच है नहीं, तो यहाँ पर पड़ता बच्चों ये लिविंग ग्रुप बन गया बेटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो हमारा ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया CH3 CH3 CH3। तो ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये अपने दाएं बाएं देखेगा, जैसे कि मैंने बताया कहीं भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट देखेगा, तो लेफ्ट राइट देखेगा। तो यहाँ पर अगर ये इस कार्बन पर जाए तो हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है, इससे सी एच थ्री कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर मूव करेगा, वो कार्बन CH3 CH3 CCH2 CH3, और यहाँ कार्बोकैटायन बन गया। अब न्यूक्लियोफाइलिक है नहीं तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, Br निगेटिव होता तो अटैक कर देता है, H2SO4 तो यहाँ पर अटैक करेगा नहीं, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, काफ़ी कम है, तो ये यहाँ पर बता रहा था। अगर HBr लिया होता तो हो सकता था Br निगेटिव अटैक कर दे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस थे, लेकिन जब H2SO4 लिया तो इसका एनायनिक पार्ट नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, तो वहाँ पर तो अटैक करेगा नहीं, उसकी न्यूक्लियोफिलिक कहें नॉन न्यूक्लियोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिसिटी काफ़ी कम है, है ना। तो क्या रिएक्शन होगी, कैटायन बन गया, या तो सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, एलिमिनेशन कंडीशन रखेंगे तो एलिमिनेटेड, रीअरेंज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना।
तो ये वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट है क्योंकि कैटायन यहाँ पर जनरेट हुआ, कैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा ताकि ये क्या बन जाए, ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए। और इस तरह से हमको ये बच्चों रीअरेंज प्रोडक्ट CH3CH3 ये एल्कीन बनेगी CH3। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हुआ, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका। तो वैगनर मर्विन में बच्चों कैटायन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन आपको अपने आप को रीअरेंज करता है किसी इसके लिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड लिया है बच्चों, इसमें देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा। खाली एच प्लस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एलिमेंट इस तरह का निकलो एच लाइक एस्टोस हो लिया होगा क्योंकि हमने एनायनिक पार्ट है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस यहाँ पर स्टॉप कर दिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, एच प्लस लिखा है तो वो एच प्लस कहाँ पर जाके लगता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो बच्चों हमें प्रोडक्ट मिला ये, CH3 यहाँ पर क्या हो गया OH H+। ठीक, अब क्या, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा, अच्छा ये क्रॉस करते हैं तो ये सीधा इससे लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ पर क्रॉस कर गया तो यहाँ कार्बन नहीं है, है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये क्रॉस किया है तो ये इस तरह से ब्रिज है यहाँ पर लगा हुआ। कभी ये क्रॉसिंग पे भी यहाँ कार्बन मानने लगो, वहाँ कार्बन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ बच्चों, कार्बोकैटायन बना है। तो कार्बोकैटायन जैसा कि मैंने बताया क्या सोचता है, अपने लेफ्ट और राइट देखता है, तो ये अपने दोनों साइड देखेगा कि मैं क्या मोर स्टेबल हो सकता हूँ। तो यहाँ पर पता चला कि हाँ, अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। तो टर्शियरी बनने के लिए क्या करेगा, किसी एक ग्रुप का माइग्रेशन यहाँ पर होना है। तो बच्चों ये बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड माइग्रेट करता है इसमें तो कार्बोकैटायन क्या बन जाता है यहाँ पर, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन बच्चों इस तरह से हो जाता है, तो इसको इधर बनाते हैं। तो बच्चों ये मूव करेगा तो इस कंपाउंड क्या बना हमारा कंपाउंड, सेम कंपाउंड ये यहाँ पर, पहले सेम कंपाउंड बना लेते हैं फिर उसको अटैच करते हैं। यहाँ पर बच्चों तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, यहाँ से ना जुड़ के ये सीधा कहाँ से जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, वो कार्बोकैटायन आपका कहाँ बन गया, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, और बाकी फिर क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ओपन अप करके लिए, थोड़ा सा इनको उधर ले जाएं। चलो बच्चों ये क्या बना हमारा देखते हैं, इसको घुमा के भी लिखा जा सकता है कंपाउंड को। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एच गया तो यहाँ पर जो आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ पर क्या गया, डबल बॉन्ड, इस कार्बन से अटैच हो गया ये। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप रीअरेंज करके लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इसको घुमा करके रीअरेंज कैसे करोगे, एक तो रिंग कितनी है बच्चों, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने, 5 मेंबर रिंग बन गई। तो यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं हम, कौन से 3 4 5 7 8, 3 4 5 7 8। फिर बच्चों यहाँ पर एक रिंग कौन सी बनी हमारी, दूसरी रिंग जो है 5 पर अटैच है, हमें कौन सी रिंग, दूसरी रिंग जो अटैच करनी है 5 पर अटैच करनी है, और दूसरी कहाँ पर अटैच करनी है, 3 पर अटैच करनी है, यहाँ दो पर अटैच करनी है, 5 पर और 3 पर। ठीक है, किसको लेते हैं, 5 5 6 2 है ना, 5 पर 6 6 और गए हम यहाँ पर दे दिया 2, 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इस तरह लगा हुआ है, ओ टू किससे अटैच्ड है, 3 से। तो बच्चों ये कंपाउंड है, तो इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से भी और तरह से भी रीअरेंज करके बना सकते हैं इसको, है ना, नंबरिंग देकर के आप इसको रीड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी क्या बना था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और कार्बोकैटायन क्या चाह रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्म में बनना चाह रहा है। तो वहाँ पर क्या आएगा,
कार्बोकेटन क्या क्यों टर्सरी हो गया, टर्सरी मोर स्टेबल है, इसलिए कंपाउंड क्या हुआ है, रीअरेंज कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, थैंक यू।